जय सियाराम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से प्रभु श्री राम को एक स्वप्न आता है जिसमें उन्हें एक महल जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो जब महल जलते हुए देखकर जब वो उस गांव से भागने लगते हैं तो सहसा एक नदी में कूद जाते हैं। उस नदी के अंदर उनको प्रभु नारायण की छवि देखने को मिलती है। दरअसल स्वप्न में ही प्रभु श्री राम बड़ी दुविधा वाली स्थिति में है क्योंकि जो महल जल रहा है वो उन्हीं का महल है और जिधर वो भाग रहे हैं उधर समंदर है, समुद्र की खूब तीव्र लहरें आ रही हैं। ऐसी मनोदशा में, ऐसी परिस्थिति में वो जल के अंदर जब गए, जब जल ने उनको अकस्मात घेरा तो वहां पे प्रभु श्री नारायण क्षीर सागर में बैठे हुए उनका नाम पुकार रहे। क्या अभी तक राम जी को अपने नारायण होने का एहसास नहीं है? क्योंकि इससे तो यही अनुभूति होती है। शायद शायद लीन हो गए हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि जो स्वप्न मैंने देखा वो क्या सच है, क्या है सच्चाई स्वप्न की। और उनके जो भाई वो नदी के तट पे तो थे, उनके साथ तीनों भाई उनके ढूंढ रहे हैं लेकिन अब कैसे होता है, क्लेरिफाई नहीं होगा, क्लेरिफाई नहीं होगा। वही हम लोगों ने देखा कि जब दशरथ जी वापस लौटे थे तो उनके मन में एक ग्लानी जैसी भाव दिखने लगे। ग्लानी जैसी भाव दिखने लगी का मतलब ये था कि जब आप किसी बड़ी अच्छी चीज से लौट करके आए और वापस से वही दुविधा आपको घेर ले तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बताओ, इतना प्यारा दृश्य, इतना प्यारा मनोरम व्यवस्था मैं छोड़ के यहां बैठा। वो अच्छा समय बीत जाता ना जल्दी जल्दी, वही दिखाया गया, गुड टाइम पासेस सून। चलिए फिलहाल मित्रों बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 6 पार्ट 1। राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, अच्छा राम भैया, भैया राम, राम भैया, भैया राम, राम भैया, राम भैया। तो है लेकिन हम पानी की गहराई भैया बाहर के जाए। गुरु विशेष, गुरुदेव, राम भैया, यही प्रतीक्षा करो। संवेदनशील मन उतना ही शीघ्र प्रभावित भी होता है।
अपनी चिंता व्यक्त करो पुत्र। भयानक स्वप्न है गुरुदेव, बहुत समय से मुझे व्याकुल करते आ रहे हैं अनर्थ के दृश्य, अशुभ का संकेत। अयोध्या महानगरी पर महाविपदा आई है, मैं चिंतित हो उठता हूं। पिताजी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए। कई बार प्रेम की अति भाई के रूप में प्रत्यक्ष होने लगती है पुत्र। तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं? प्रेम और भय तो एक दूसरे के विपरीत होते ना गुरुदेव। जब प्रेम में बंधन हो तो उस बंधन के खुलने का, मुक्त होने का भय भी तो स्वाभाविक ही है राम। किंतु गुरुदेव, मैं स्वप्न में अपने पूर्वजों को देखता हूं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा, उनसे कैसा बंधन? उन्हीं की मान प्रतिष्ठा बनाए रखने का दायित्व तुम पर होगा राम। इतने वर्षों से उसी की तैयारी कर रहे हो तुम। यहां बंधन तुम्हें ना दिखे पर है तो। आपने एक बार कहा था कि ज्ञान मुक्त करता है, और यदि मुक्त नहीं हो तो ज्ञान पूरा नहीं है पुत्र। ज्ञान पाने के लिए तुमने अपने मन को तैयार किया है यहां। अब बाहरी संसार में प्रवेश कर तुम्हारी तैयारी की परीक्षा प्रारंभ होगी राम। और उस यात्रा में जब तुम सभी बाहरी आवरणों को हटाकर सत्य तक पहुंचोगे तभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी। और यही विद्या का उद्देश्य भी है राम। तुम्हारा मंगल हो राम। अभिनंदन, ये है हमारे समस्त मंदिरों के मुख्य पुरोहित अश्वला, स्वागत है। और ये है ऋषि उद्दालक, हमारे गुरु महर्षि अष्टवक्र के पितामह और सर्वशास्त्र ज्ञानी भी। प्रणाम, पधारिए। और ये है महर्षि याज्ञवल्क्य, उनके साथ हैं उनकी दोनों पत्नियां देवी कात्यायनी और देवी मैत्री। स्वागत है महर्षि याज्ञवल्क्य, पधारिए। चलो स्थान ग्रहण करो, चलो। कितनी सुंदर है ये, कौन है ये माता गार्गी? स्वतंत्र विचारों की समर्थक। क्या विचारों की स्वतंत्रता बुरी बात है माँ? नहीं, स्वतंत्रता बुरी बात नहीं है, परंतु स्वतंत्र होने का ये अर्थ नहीं कि किसी के मान सम्मान का ध्यान ही न रहे। गार्गी ज्ञानी है, परंतु उन्हें लगता है उनसे अधिक ज्ञानी कोई भी नहीं। चल। आप
औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है राजऋषि जनक। चलो महर्षि गौतम, आपको देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। पता नहीं क्यों मुझे भय था कि आप इस महासभा में नहीं आएंगे। आपकी पुत्री सीता से भेंट का यह अवसर मैं कैसे खो देता राजऋषि? मैंने उसके बारे में सुना ही है, कैसे उसके आगमन से मिथिला में असंभव ही संभव हो गया। सत्य कहो तो इस ज्ञान सभा से अधिक मैं अपने प्रस्ताव के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदेश दीजिए महर्षि। मैं चाहता हूं कि सीता की शिक्षा का दायित्व आप मुझे सौंपे। ये मेरे लिए और मेरी पुत्री सीता के लिए सौभाग्य की बात होगी। हम बात करेंगे राजऋषि, ज्ञान सभा संपन्न हो जाए उसके पश्चात। अवश्य बधाई। सभी का इस ज्ञान सभा में स्वागत करता हूं। योगिनी सुलभा के निर्देश अनुसार मैंने इस ज्ञान सभा का आयोजन किया है ताकि मेरी पुत्रियों के मन में ज्ञान का बीज रोपण बिना किसी विलंब के। मैं इस ज्ञान सभा को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। जिसको ढूंढा कहां कहां वो मिला मुझे यहां। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से श्री राम जी वन के मध्य में अपने मन की व्याकुलता को चिंतन और मनन से शांत कर रहे हैं। देखिए, सोचने वाली बात है कि जब आप व्याकुल हो, इस परिस्थिति में हो, जब आपको दुष्स्वप्न सता रहे हो, तो अपने आप को बहुत ज्यादा पीड़ा ना देते हो, एकाग्र होकर के प्रभु श्री राम जी बैठ गए। और ये भी एक हमको सीख मिलती है कि जब आपके पास चिंता हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो आपको स्वयं से प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि सामाजिक रूप से उछल कूद करनी चाहिए। अच्छा, वहीं जब गुरु वशिष्ठ जी पूछते हैं श्री रामचंद्र जी से कि मुझे ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे हैं, उन पूर्वजों के स्वप्न क्यों आ रहे हैं जिनको मैंने देखा तक नहीं, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्वजों की आशाएं आज की पीढ़ी पे ही निर्भर करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रघुवंशी हो आप, तो जो रघुकुल की रीतें हैं, जो चीजें हैं, वो सब आपको ही संभालनी, यही आपके पूर्वज हैं। वहीं जो स्वप्न की विवेचना है कि एक तरफ है बाग बगीचे, एक तरफ शमशान वाली स्थिति में, कि ना एक इधर तो दोनों नहीं है, इधर तो एक तरफ महल जल रहा है, दूसरी तरफ जब जा रहे हैं तो समस्त अयोध्या डूब गई, तो ऐसा कैसे होगा और ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने का क्या कारण है? अच्छा, उनका मोह बना हुआ है, जैसा कि गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि अभी मोह प्रेम के कारण तुम्हारा मोह बना हुआ है, मुक्त नहीं हो पाए, मुक्त होने के लिए पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता, वो अभी पूरी नहीं हुई इसका कारण। और तुम्हारे मन में भय है, प्रेम से उत्पन्न भय, विरोधाभास बोलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, क्योंकि विरोधाभास इसलिए है क्योंकि जहां पर प्रेम है वहां स्वतंत्रता होती है, वहां किसी प्रकार का भय नहीं होता। लेकिन प्रेम जब अज्ञानतावश होता है तो वहां पर भय आ जाता है। चलिए, गहरा ज्ञान हो गया फिलहाल। अच्छा, सीरीज में इस चीज को भी नोटिस करिए कि इधर अभी प्रभु श्री राम की शिक्षा स्टार्ट हो रही है, तरह से देखी जाए। प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की भाई सामाजिक शिक्षा स्टार्ट हो रही है। हाँ,
कैसे दिमागी। हाँ, सामाजिक शिक्षा स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट हो रही है और उधर माँ सीता की भी शुरू होने वाली। हाँ, तो एकदम बराबर लेके जा रहे हैं डायरेक्टर साहब। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ क्या है ना कि उनको जो विद्यालय में सीखना था वो तो सीख लिया, अब उस थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल दुविधा में, है वो देखना। हमें बचाव के लिए प्रेम से नहीं बनना है, हमें चीजें देखनी है कि कैसे मैं बैलेंस करूंगा, अलग रहेंगे। चलिए फिलहाल मित्रों, इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।